रांची में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर महागठबंधन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। रांची में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर रविवार को हुई महागठबंधन की बैठक में इसके नेताओं ने एक बार फिर पूरी मजबूती से राज्य में चुनाव लड़ने व भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा किया। हालांकि इस बैठक में महागठबंधन में चतरा सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में बिगड़ी बात नहीं बन पाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि चतरा पर बातचीत जारी है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। वैसे चतरा में समन्वय नहीं भी बनता है तो राज्य की शेष 13 सीटों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की 2 अप्रैल तक घोषणा कर दी जाएगी। किस तरह से कंट्रोल रूम यूपीए का स्थापित होगा, किस तरह से लोकसभा वार, किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थापित की जाएगी प्रखंड लेवल में, पंचायत लेवल में और लोकसभा के लेवल में, उस पर भी चर्चा हुई। झारखंड से संबंधित एक झारखंड संबंधित मैनिफेस्टो के बारे में जो है बाबूलाल मरांडी जी ने जो चर्चा शुरू की थी किया था, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा करके एक नेशनल मैनिफेस्टो तो है ही, लेकिन उसके अलावा झारखंड से संबंधित यूपीए का एक मैनिफेस्टो बनेगी। और किस तरह से स्टार प्रचारक, देश के नेता या प्रदेश के नेता कहां कहां घूमेंगे, उसकी कोऑर्डिनेशन जमीनी स्तर पर कैसे होगी,